बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमने बहुत से उपाय कर लिए लेकिन हमारी दुकान का काम नहीं चल पा रहा है, बहुत से टोटके करके देख लिए लेकिन दुकान पर ग्राहक आता नहीं है और दुकान का माल बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। दुकान की बिक्री पिछले कई सालों से बिल्कुल ठप हो चुकी है और हमने बहुत सारे कार्य करके देख लिए फिर भी हमारी दुकान चलने का नाम नहीं ले रही है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से हमारी दुकान अच्छी चले और दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी ना रहे। प्यारे साथियों, पहले भी मैं आपको दुकान की ग्राहकी से जुड़े हुए, दुकान की बिक्री से जुड़े हुए उपाय बताता रहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी ने जो प्रश्न हमसे पूछे हैं हम उनके उत्तर जल्द से जल्द आपको दे सके। साथियों, दुकान पर काम आए, दुकान पर ग्राहक आए, दुकान की सेल अच्छी हो, इसके लिए मेहनत करने के साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपकी दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपकी जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं आपको अपना साथ नहीं दे रही है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कोई कमी है। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, इस उपाय को करने के बाद एक तो आपका जो भाग्य है वो बलवान होगा और दूसरा आपकी की जाने वाली मेहनत का जो फल है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उससे डबल आपकी दुकान चलेगी और कभी आप ये नहीं कहोगे कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि इस उपाय को करने से दो चीजों का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। एक तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी दुकान पर नजर लगी हुई है, किया कराया है, तंत्र बाधा का दोष है, किसी ने कुछ करवा दिया है, और दूसरा भाग्य। इस उपाय को करने से एक तो आपकी दुकान हर प्रकार के किए कराए से बच जाएगी, दूसरा आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। यकीन मानिए, विश्वास से अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो जीवन में कभी भी आपको दुकान में ग्राहकों से रिलेटेड प्रॉब्लम का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुकान की बिक्री को परमानेंट बढ़ाने का एक ऐसा उपाय जिसको करने के बाद कभी आपकी दुकान में ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी, आपकी दुकान चलेगी नहीं दौड़ेगी। ये उपाय आपको करना होगा ध्यान से, समझदारी से, विश्वास से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा आपकी दुकानदारी में कभी
किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के उपाय को शुरू करते हैं। साथियों, आज के उपाय को करने के लिए आपको दो सामान की जरूरत पड़ेगी। एक तो इसमें आपको काली मिर्च जो दाने वाली होती है वो आपको जरूरत पड़ेगी, और दूसरा एक आपको नींबू इस उपाय को करने के लिए जरूरत होगी। उपाय किस तरह से करना है, उसकी विधि क्या है, वो अब आपको समझनी पड़ेगी। साथियों, आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको सुबह के टाइम एक कांच का गिलास लेकर के, और उस कांच के गिलास को आधा पानी से भरकर उस नींबू को आपने उस कांच के गिलास में डालना है। थोड़ा सा सफेद नमक भी उस गिलास में आप डाल दीजिए। अब आपने इस गिलास को अपनी दुकान के हर कोने में लगाना है। ये कांच का जो गिलास है अपनी दुकान के हर कोने में टच करवाएं। एक एक मिनट के लिए इस कांच के गिलास को अपनी दुकान में टच करवाना है। सारे कोनों में टच करवाने के बाद अब आपने इस कांच के गिलास को जो आपका काउंटर है वहां पर अपने काउंटर में अपनी लेफ्ट साइड में इसको रख लेना है। फिर इसको वहां से नहीं हिलाना है। 20 से 22 दिन के बाद नींबू अगर खराब हो गया है, अगर नींबू खराब हुआ है तो समझ लीजिए आपकी दुकान पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवा रखा था, या आपकी दुकान पर कोई टोना टोटका हो रखा था, या किसी भी बुरी चीज जो आपकी दुकान पर को 100% हो रखी थी, जिसकी वजह से जो वो नींबू है वो सड़ना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, उस नींबू को निकाल करके कहीं दूर फेंक आए, उसकी जगह पर नया नींबू उसमें आपने डाल देना है। जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे तुरंत 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो दुकानदारी है वो खुलनी स्टार्ट हो जाएगी, दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा काली मिर्च का उपाय जो आपने करना है वो आप ध्यान से सुने। आपने शनिवार की शाम को दुकान बढ़ाने से पहले काली मिर्च के 5 से 7 दाने हाथ में लेकर के, और अपनी पूरी दुकान में उन काली मिर्च के दानों को 7 बार घुमा लेना है। 7 बार घुमाने के बाद दुकान से बाहर आकर के अगर कोई आसपास चौराहा है तो चौराहे पर उन काली मिर्च के दानों को फेंक दें। अगर कोई चौराहा नहीं है तो वहां पर कोई खाली जगह हो वहां पर आप उन काली मिर्च के दानों को फेंक सकते हैं। काली मिर्च के दाने वाला ये 3 शनिवार आपको उपाय करना होगा। जिस शनिवार आप उपाय करोगे उसी दिन से आपका जो दुकान है, जो आपकी ग्राहकी है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। दुकान में कभी भी जीवन पर्यंत ग्राहकों से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, और ना ही कोई टोना टोटका, कोई बुरा चीज, किसी चीज का भी असर दोबारा आपकी दुकानदारी पर होगा। तो आज का एपिसोड, अगर आपका कोई सुझाव, कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें जरूर भेजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।